अस्सलाम वालेकुम मतीला जान एमजे टीवी। हाल ही में पार्लियामेंट ने पाक फौज के मुतालिक जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट का कानून है उसमें कुछ तब्दीलियां की हैं, कुछ तरामीम की हैं। ये तरामीम एक ऐसे वक्त में आई हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान आवान ने एक वक्त मांगा था सुप्रीम कोर्ट से और अदालत से ही कहा था कि हुकूमत जो आर्मी एक्ट के तहत जिन सिविलियन के खिलाफ मुकदमात कायम किए जा रहे हैं या उनके खिलाफ ट्रायल शुरू होने वाला है उनको एक अपील का हक देने के लिए कानून साजी भी कर सकती है, तो उसके लिए कुछ सोचने के लिए कानून बनाने के लिए वक्त चाहिए। और अब यकम अगस्त को अब उस केस की दोबारा समाअत है जो कि 9 मई के मुलजमान के फौजी ट्रायल के हवाले से आईनी दरख्वास्तें हैं उनकी, और उसी केस में अटॉर्नी जनरल ने ये कानून साजी के हवाले से मजीद वक्त मांगा था। मगर ये जो कानून साजी हुई है आर्मी एक्ट में तरमीम हुई है इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है और इसमें दूसरी बहुत सी अहम कुछ तब्दीलियाँ लाई गई हैं आर्मी एक्ट के अंदर जिनका जिक्र करना ज़रूरी है। ये मैं आपको बताते चलूँ कि इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में जिस रफ्तार से अब कानून साजी हो रही है और जिस तरीके से जो बिल हैं मुख्तलिफ कवानीन के इदारों के बारे में वो बुलडोज किए जा रहे हैं, शायद पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ तक के सेनेट के अंदर तो सेनेटर रजा रबानी और कुछ दूसरे जो अराकीन सेनेट हैं उन्होंने एहतजाजन वॉकआउट भी किया है। यूँ लग रहा है कि जो एक किस्म का ये जो भी इदारे हैं ये जो अपने अपने कवानीन में तब्दीलियाँ करवाना चाह रहे हैं ये एक ऐसे सिंड्रोम का शिकार हैं जैसा कि एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा था किसी एक सहाफ़ी पे कि वो अपने बुज़ुर्ग वालिद साहब जो कि बिस्तर मर्द पे पड़े थे, बीमार थे, तो उनके जायदाद के कागज़ों पे अंगूठे लगवा रहे थे। तो लग ये रहा है कि अब इस शहबाज शरीफ की जाती हुकूमत से भी मुख्तलिफ कवानीन जो है मंजूर करवाए जा रहे हैं, उन पर पार्लियामेंट से अंगूठे लगवाए जा रहे हैं और पार्लियामेंट की मुद्दत जो है वो बहुत कम रह गई है, 2 हफ्ते की भी मुद्दत अब नहीं रह गई, तो अब जाते जाते पार्लियामेंट से भी अंगूठे लगवाए जा रहे हैं कुछ ताकतवर हलकों की तरफ से। एक अंगूठा जो एक कागज़ पर लगाया गया है वो ये आर्मी एक्ट का कानून है। इसमें मुख्तलिफ जो तरामीम की गई हैं हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि जो पाकिस्तान आर्मी को मेंटेन करना या उसको रेज करना यानी फ़ौज को बनाना, तश्कील देना और उसकी देखभाल करना ये आईन के मुताबिक सदर ममलिकत करते हैं वज़ीर आज़म के मशवरे से। जो आईन का आर्टिकल 245 है उस आर्टिकल के तहत सदर ममलिकत को ये अख्तियार हासिल है कि वो आर्मी को मेंटेन करें, आर्टिकल 243। और फिर सदर को ये आईन में कहा गया है कि वो आईन और कानून के मुताबिक उनके पास सुप्रीम कमांड ऑफ दी आर्म फोर्सेस हैं और फिर जो सदर हैं वो कानून के मुताबिक आर्मी, नेवी और एयर फोर्स जो हैं उनकी तश्कील देंगे और फिर जो रिज़र्व फोर्सेस हैं जो उनके अलावा होती हैं और फिर इन फोर्सेस में कमीशन देंगे। और फिर ये भी कहा गया है कि जो वफाकी हुकूमत है उसके पास अफवाज पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल होगा और ये जो अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान हैं और जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, नेवी चीफ ऑफ आर्मी और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, इनकी जो तैनाती है वो सदर ममलिकत वज़ीर आज़म के मशवरे से करेंगे। और फिर एक हल्फ भी है जो आईन के आर्टिकल 244 के तहत हर अफवाज पाकिस्तान के फ़र्द को उठाना होता है। ये थर्ड शेड्यूल में आईन का हल्फ है जिसमें ये बड़ा मशहूर जुमला है कि मैं सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लूँगा, तो वो जुमला उस हल्फ में आईन का जो हल्फ है उसमें लिखा गया है। और उसके बाद फिर अफवाज पाकिस्तान के जो फंक्शंस हैं वो भी आईन में बताए गए हैं और ये भी कहा गया है कि किसी भी हकूमती हदायत को जो कि अफवाज पाकिस्तान को दी जाती है किसी भी काम के लिए उस हकूमती हदायत को पाकिस्तान की किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल ये आईनी एक अख्तियार है अफवाज पाकिस्तान के ऊपर वफाकी हुकूमत का और सदर ममलिकत का एक रस्मी रोल है जो कि वज़ीर आज़म के मशवरे के पाबंद हैं। सबसे पहले तो जिस कानून के ज़रिए इसमें थोड़ा सा उसकी वजाहत करने की कोशिश की गई है कि सदर ममलिकत जी अपना अख्तियार कैसे इस्तेमाल करेंगे।
इसमें सबसे पहले जो नई शिक का इजाफा किया गया है आर्मी एक्ट के सेक्शन 1 में, वो ये कहा गया है कि आइन के शिकों के मुताबिक जो सदर हैं वो पाकिस्तान आर्मी, और ये मैं बता दूं कि ये जो तरमीम लाई गई हैं ये सिर्फ पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, आर्मी से मुतल्लिक कानून में, नेवी और एयरफोर्स के कवानीन में कोई तब्दीलियां नहीं लाई गई। और जारी बात है जब आर्मी के कवानीन में जो तब्दीलियां आई हैं तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जल्द ही नेवी और एयरफोर्स वाले भी अपनी कवानीन में ऐसी ही तब्दीलियां लाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मसाइल जो कानूनी मसाइल पैदा हो रहे हैं, जो लैकुनास पैदा हो रहे हैं, वो आर्मी के अलावा एयरफोर्स नेवी में भी वही मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो आगे जाके आपको पता चलेगा वो क्या है। तो सदर ममलकत को ये अख्तियार दिया गया है कि वो फौज बनाएंगे, रेस करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे और उनके रिजर्व की इस कानून के मुताबिक और कवायद के मुताबिक। और फिर आगे जाकर कहते हैं रेगुलेशंस और इंस्ट्रक्शंस। अब जो आइन में सदर का अख्तियार है वज़ीर आज़म के मशवरे के साथ फौज को रेज करने का, उसको इस कानून में कहा गया है कि अब वो इस कानून के मुताबिक, और आइन में लिखा गया है कि सदर ममलकत कानून के मुताबिक ही फौज को रेज करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। मगर आगे ने यह भी लिख दिया कि सदर ममलकत जो काम भी करेंगे फौज के हवाले से वो कवायद के मुताबिक होगा, कवायद वो जो कि वजारत दिफा या वफाकी हुकूमत मंजूर करती हैं। रेगुलेशंस के मुताबिक होगा, रेगुलेशन वो जो महकमा मजीद तफसीलात के साथ कुछ रेगुलेशन बनाते हैं जैसे SOPs होते हैं। और फिर इंस्ट्रक्शन वो जो आर्मी चीफ देता है। अब इस शिक के अंदर ये भी कह दिया गया है कि सदर ममलकत जो भी फौज के हवाले से फैसले करेंगे, जारी बात है वफाकी हुकूमत करेंगी, वो इस कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक भी होना चाहिए। मेरे ख्याल में कानून के अंदर इंस्ट्रक्शंस को और रेगुलेशंस को इस तरह का तहफ़ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आइन और कानून के तहत सदर ममलकत वफाकी हुकूमत यानी वज़ीर आज़म के मशवरे के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान को अहकाम जारी करते हैं या उनके बारे में कोई पॉलिसी तरतीब देते हैं। तो इस कानून के तहत सदर ममलकत को या वफाकी हुकूमत या वज़ीर आज़म को पाबंद नहीं किया जा सकता कि वो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर जो कमांड इन कंट्रोल है वो आर्मी चीफ की इंस्ट्रक्शंस के साथ मुताबिक होगा या उनकी इंस्ट्रक्शंस से मशरूत होगा। ये इसमें कानून में डालने का कोई जवाब नहीं बनता था। पर आगे फिर जाके कहते हैं कि ये जो कमांड इन कंट्रोल है ये वफाकी हुकूमत के पास ही रहेगा और उसकी जो इंतजामी मामलात हैं वो आर्मी चीफ के पास होंगे। अब ये कमांड एंड कंट्रोल अगर वफाकी हुकूमत के पास है, सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, वज़ारत दफा है, वफाकी काबीना की दफाई कमेटी है, अगर ये तमाम इदारे ऊपर मौजूद हैं तो इसमें लिखने की क्या ज़रूरत है कि इंतज़ामी मामलात जो हैं शल वेस्ट इंडिया आर्मी चीफ। वो तो एक अंडरस्टूड बात है कि वो शल वेस्ट इंडिया आर्मी चीफ, उसी के आर्मी चीफ के पास ही होंगे। तो ये लिखने की एज सच इसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इंतज़ामी मामलात जो हैं वो जमहूरी महजब और आइनी जो ममालिक हैं वहाँ पर वजारत दिफा देखती हैं। और मतलब की बात यह कि इस कानून में वजारत दिफा का कोई जिक्र नहीं है। बाद में ये जो बिल है अभी तक ये मंजूर हो गया पार्लियामेंट से, लेकिन ये इतला नहीं है कि सदर ममलकत इस पर दस्तखत कर चुके हैं। तो ये अभी तक बिल हुआ है, लेकिन अब ये एक रस्मी कार्रवाई ही रह गई है, सदर ममलकत ने इसको दस्तखत करना है। अच्छा, फिर ये भी कहा गया कि जो कमीशन ग्रांट करते हैं आइन के मुताबिक फौज के अंदर भर्ती या कमीशन देना किसी भी शख्स को, वो सदर ममलकत का अख्तियार है। इस कानून में ये कह दिया गया है कि अब सदर ममलकत किसी को भी अगर भर्ती करेंगे या कमीशन ग्रांट करेंगे, वो कमीशन एक रस्मी कार्रवाई होती है, प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपको कमीशन देता है फौज पाकिस्तान में, मगर वफाकी हुकूमत के वो सारी पॉलिसी और कवायद के मुताबिक होता है। तो इस कमीशन के अख्तियार को, फौज में कमीशन देने के अख्तियार को जो सदर ममलकत का है उसको भी मशरूत कर दिया गया है इस कानून से, कवायद से, रेगुलेशन से और इंस्ट्रक्शन से, और इंस्ट्रक्शन जो आर्मी चीफ देगा। तो ये मेरे ख्याल में सदर ममलकत का जो अख्तियार हैं उनको कानून, कवायद
और रेगुलेशंस के साथ साथ आर्मी चीफ की जो हदायत हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उससे भी मशरूत कर दिया गया है। मेरे ख्याल में इंस्ट्रक्शंस के लफ्ज़ की इधर एक्ट में डालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आर्मी चीफ अपनी इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए सदर मम्लिकत को पाबंद नहीं कर सकता कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे किसी को भी कमीशन देने के लिए। आर्मी चीफ जो है वो इंतज़ामी सरबराह है, ज़रूर है, मगर जब भी फेडरल गवर्नमेंट जो है कुछ तब्दीली करना चाहेगी सदर मम्लिकत के ज़रिए या वफाकी वज़ीर दफा करना चाहेगा, तो उसके अख्तियारात जो हैं वो किसी इंस्ट्रक्शंस से मशरूत नहीं हो सकते। फिर ये भी कहा गया कि जो एफिलिएटेड एंटिटीज़ हैं, यानी जो मुंसलिक इदारे हैं फ़ौज के साथ, जो एफिलिएटेड मुंसलिक इदारे हैं, उनको भी आर्मी एक्ट के ज़ुमरे में लाया गया है। और यहाँ पे जो एक सेक्शन 8 है उसमें एक नई क्लास का इजाफा किया गया है। सेक्शन 8 के क्लास 1 के बाद एक 1A क्लास का इजाफा किया गया है, जिसमें कहा गया है जो मुंसलिक इदारे हैं, जो एफिलिएटेड एंटिटीज़ हैं, इससे मुराद ये है वो तमाम इदारे जो पाकिस्तान फ़ौज के कंट्रोल में हैं, और ये वो इदारे भी हो सकते हैं कि जो हैं तो कानून के तहत बनाए गए अलग इदारे हैं, जैसे नेशनल PTA का इदारा है या फिर दूसरी रेगुलेटरी बॉडी हैं जो कानून के तहत बनाई गई हैं, मगर उन पर फ़ौज का कंट्रोल है, जैसे फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड हैं या दूसरे इदारे हैं, अगर उन पर फ़ौज का कंट्रोल है तो वो फ़ौज के एफिलिएटेड इदारे कहलाए जाएंगे। और वो इदारे सिर्फ स्टैट्यूटरी इदारे नहीं हैं जो कानून के तहत बनाए गए हैं, जैसे नादरा का हो सकता है, बल्कि ट्रस्ट भी है और फाउंडेशन भी हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी हैं और दूसरी तंजीमें भी हैं जो कि गैर मुनाफा बख्श जो इदारे होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और जिनकी मंजूरी वफाकी हुकूमत ने दे रखी हो, तो वो भी फ़ौज के एफिलिएटेड इदारों की डेफिनेशन में, तारीफ में उनको शामिल कर दिया गया है। और अब इसका मुराद क्या ली जा सकती है कि क्या ये आर्मी एक्ट जो है अब उन इदारों पर भी लागू होगा या उन इदारों के मुलाजमीन पर भी लागू होगा जो बने तो अलग कानून के तहत हैं मगर वो फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम और ज़ेर कंट्रोल हैं, और उसके अंदर जो सिविलियन मुलाजमीन हैं क्या वो भी आर्मी एक्ट के तहत आ जाएंगे, क्या वहाँ पे अगर कोई पहले यूनियन के हकूक थे वो होंगे या नहीं होंगे, और क्या जो सिविलियन मुलाजमीन हैं अचानक उनका भी कोर्ट मार्शल हो सकेगा, या अब ये भी इसकी वजाहत की ज़रूरत है क्योंकि एफिलिएटेड एंटिटीज़ जो हैं उसका लफ्ज़ जो है वो आर्मी एक्ट में अब उसको बाकायदा डिफाइन कर दिया गया है, और ये इसकी वजाहत बड़ी ही ज़रूरी हो गई है। फिर उसके बाद एक कानून में शिक थी आर्मी एक्ट के तहत कि कोई भी जो है जो पाकिस्तान का शहरी नहीं था जो आदमी, या जो दोहरी शहरियत का हामिल बंदा था या फिर वो 18 साल से कम का बंदा था, वो उसको पाक फौज के अंदर भर्ती नहीं किया जा सकता था, उसको कमीशन नहीं मिल सकता था अगर जब तक उसकी वफाकी हुकूमत मंजूरी ना दे। यानी दोहरी शहरियत का हामिल शख्स, 18 साल से कम उम्र का शख्स जो है, या फिर वो शख्स जो पाकिस्तान का शहरी नहीं है, किसी दूसरे मुल्क का शहरी है, उसको सिर्फ वफाकी हुकूमत की मंजूरी से पाकिस्तान आर्मी में कमीशन दिया जा सकता था। इस तरमीम के बाद जो कि एक सेक्शन 10 में एक नई जो शिक डाली गई है, पुरानी शिक को ख़त्म किया गया है, उस नई शिक के तहत अब वफाकी हुकूमत मंजूरी उसकी हो या ना हो, दोहरी शरीयत का हामिल शख्स और वो शख्स जो कि पाकिस्तान का शहरी नहीं है और जो 18 साल से कम उम्र का है, उसको पाक फौज में कमीशन नहीं मिलेगा, उसको अटेस्टेशन नहीं मिलेगी। तो ये एक तरमीम एक और भी आई है। फिर रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन और रिलीज और डिस्चार्ज, अब एक नई क्लॉज शामिल की गई है सेक्शन 18 में, जिसमें कहा गया है कि जो मजाज हुकाम हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसकी वजाहत की जाएगी, वो किसी भी शख्स को जो कि आर्मी एक्ट के तहत आता है रिटायर कर सकती हैं, नौकरी से बर्खास्त कर सकती हैं, नौकरी में उसको कबूल कर सकती है, बल्कि नौकरी से बर्खास्त के बाद उसका इस्तीफ़ा मंजूर या मुस्तरद कर सकती हैं, या उसको नौकरी से डिस्चार्ज किया जा सकता है, बरतरफ किया जा सकता है, किसी भी शख्स को जो आर्मी एक्ट के तहत हैं। तो फिर यह भी कहा गया है कि चंद मखसूस हालात में, गैर मामूली हालात में, और ख़ास तौर पर अगर कोई जंग
जंग छिड़ जाए तो वफाकी हुकूमत किसी भी शख्स को लाजमी सर्विस के तहत 60 साल की उम्र तक वो उसके नौकरी उसकी बरकरार रख सकती है। 60 साल अगर उसकी उम्र नहीं हुई तो वो किसी भी शख्स को आर्मी चीफ की सिफारिश पर रिकमेंडेशन पर फौज के अंदर 60 साल तक उसको नौकरी पे बरकरार रख सकती है, जैसा कि इस कानून में कहा गया है। और फिर उसके लिए रेगुलेशंस और आर्मी चीफ की इंस्ट्रक्शन जो हैं उस हवाले से जो भी जारी होंगी उनको फॉलो किया जाएगा। फिर वो एक नई शिक डाली गई है सेक्शन 26 ए और सेक्शन 26 बी, जिसके तहत कोई भी गैर मिजाज मालूमात जो हैं, जो कि कोई भी शख्स जो आर्मी एक्ट के तहत आता है या आर्मी एक्ट के तहत आता था, यानी कि जो रिटायर भी हो चुका है, अगर वो शख्स कोई ऐसी मालूमात इनकशाफ करता है कि जो मालूमात उसने सर्विस के दौरान हासिल की गई हैं और जो कि कौमी सलामती और पाकिस्तान के मफाद या अफवाज पाकिस्तान के मफाद के या सलामती के ख़िलाफ़ हैं, तो वो उनको आर्मी एक्ट के तहत सजा दी जा सकती है जो कि 5 साल तक हो सकती है। और फिर अगर आर्मी चीफ की इजाज़त से, मंजूरी से या आर्मी चीफ के नामजद किसी भी मजाज अफसर की इजाज़त और मंजूरी से कोई ऐसी मालूमात जारी की जाती हैं तो फिर उस शख्स के लिए कोई सज़ा नहीं है और वो एक मजाज इंकशाफ होगा, एक मंजूर शुदा इंकशाफ होगा, जैसा कि जो कि आर्मी के एक्ट के सबसेक्शन 1 जो 26A का सबसेक्शन 1 है उसमें नहीं आता, यानी फिर वो काबिल सज़ा नहीं होगा। फिर उसके बाद ये है कि अगर तो वो मालूमात जिनका इंकशाफ किया गया है वो मुल्की सलामती, मुल्की मफाद और अफवाज पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ हैं तो फिर उनके खिलाफ सेक्शन 59 के तहत जो है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, मतलब उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। फिर 26B में एक नई शिक डाली गई है कि जो सियासी सरगर्मियां हैं, इसमें लिखा गया कोई भी शख्स जो फौज में रहा है या फौज से रिटायर हो चुका है वो किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा, कोई भी शख्स जो फौज में रहा हो और रिटायरमेंट के बाद वो 2 साल तक किसी किस्म की सरगर्मी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता। ये मैं वजाहत कर दूँ कि ये सिर्फ रिटायर्ड फौजियों के लिए ये एक शिक डाली गई है कि कोई भी शख्स जो फौज से रिटायर होता है वो 2 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकता और उसकी फौज से रिटायरमेंट या रिलीज या रेजिग्नेशन या डिस्चार्ज या निकाले जाने या बरतरफी के 2 साल बाद तक वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकता। अब दिलचस्प बात यह कि मैंने पूरे आर्मी एक्ट में तलाश किया है, कहीं भी जो फौज के अंदर रहने वाला शख्स है उसके हवाले से ये नहीं बताया गया कि क्या वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकता है या नहीं। आर्मी एक्ट के अंदर ये चीज़ कहीं नहीं डालेगी कि आर्मी के जो सर्विंग अफसर हैं वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते, मगर ये शिक डाल दी गई है कि जब वो रिटायर होंगे तो 2 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते। जो वाहिद कानूनी जो पाबंदी है, रुकावट है किसी भी फौजी अहलकार के सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की, वो उसका वो हल्फ है वो जो कमीशन के वक्त उठाते हैं, जो आईन के आर्टिकल 244 में भी जिसका जिक्र है, और उस हल्फ के मुताबिक कोई भी फौजी अफसर जो है वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेगा। मगर ये जो कमीशन अफसर हैं उनके हल्फ में ये चीज़ होती है, जो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल्स होते हैं उनके हल्फ में तो है, बतौर कैडेट वो हल्फ उठाते हैं, लेकिन जो NCOs हैं या दूसरे जो सिपाही हैं उनके हल्फ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर कानून के अंदर ये चीज़ भी इतना बड़ी अगर तरामीम हुई आ जाती कि कोई सर्विंग ऑफिसर या कोई भी सर्विंग अहलकार जो ऑफिसर नहीं भी होते वो भी सियासी सरगर्मियों में अगर हिस्सा लेगा तो वो जो है उसके वो भी काबिल सज़ा होगी। और ये भी कहा गया है ख़ासतौर पे जो हजरात, जो फौजी हजरात जो किसी हसास अहदों पे हैं, जैसे खुफिया इदारों के सरबराह हैं, ISI है, MI है, तो अगर उनके सरबराह या उनके अहलकार जो हैं वो रिटायर होते हैं तो वो फिर 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते। यानी कि अब ये हसास इदारों के सरबराह में बजाय तो आर्मी चीफ भी एक बड़ा हसास होता है, पूरी फौज का सरबराह है, वो ISI के सरबराह का भी बास होता है,
तो फिर तो आर्मी चीफ को भी ऊपर भी ये 5 साल की पाबंदी होनी चाहिए। मुझे लगता ये है कि इसमें ये कहा गया है कि सिर्फ वो लोग जिनको कोई हसास और खुफिया जिम्मेदारियां दी जाती हैं वो लोग जो हैं 5 साल तक प्रशासन में हिस्सा नहीं ले सकते। और ये पाबंदी बज़ाहिर अब जाहरी बात है उन्हीं लोगों के लिए लगती है जो अब जनरल फैज़ हमीद रिटायर हुए हैं, उनके ऊपर ये पाबंदी लागू होगी, जनरल जहीरुल इस्लाम पे पाबंदी लागू होगी, जनरल पाशा पे ये पाबंदी, अब वो तो खैर 5 साल से ज़्यादा उनका अरसा हो गया लागू होगी, मगर क्या जनरल बाजवा पे ये पाबंदी लागू होगी? क्योंकि वो आर्मी चीफ थे, हसास उहदा तो उनका भी था, वो तो ISI के बॉस के भी बॉस थे, तो ये अब इसकी भी वजाहत करना ज़रूरी है। फिर ये कहा गया है कि जो भी सियासी सरगर्मियों में रिटायरमेंट के बाद हिस्सा लेगा वो उसका इस कानून के तहत जो है वो ट्रायल किया जाएगा आर्मी एक्ट के तहत, और उसको 2 साल तक जो है वो सजा दी जा सकती है। मगर जो हसास इदारों से रिटायर होंगे जिन पे रिटायरमेंट के या फौज से निकाले जाने के 5 साल तक सियासत ना करने की पाबंदी है, अगर वो सियासत करेंगे तो फिर वो हसास इदारे वाले रिटायर्ड लोगों के 5 साल तक की सजा, कैद की सजा दी जा सकती है। फिर उसके बाद एक मफादात के टकराव की भी शिक डाली गई है, ये एक अच्छी शिक है, एक पॉजिटिव शिक है। इसमें कहा गया है कि कोई भी अगर फौजी अफसर एक ऐसे महकमे में काम कर रहा है जैसे टेक्निकल महकमे, जैसे इंजीनियरिंग है, जैसे कम्युनिकेशन है, तो या फिर वो कोई साइंटिफिक इदारा है फौज का, अगर वो उससे रिटायर होता है तो वो रिटायरमेंट के बाद वो 5 साल तक किसी ऐसे प्राइवेट इदारे में काम नहीं कर सकता कि जो इदारा फौज के उस महारत के मुकाबले में हो, यानी फौज से कंपटीशन में हो। मिसाल के तौर पे अगर एक इंजीनियरिंग का महकमा है, FWO है या NLC है, वहाँ पे एक ऑफिसर काम कर रहा है, तो रिटायरमेंट के फौरन बाद वो किसी प्राइवेट इंटरनेशनल इंजीनियरिंग फर्म में चला जाता है। तो बज़ाहिर ये चीज़ इसलिए डाली गई है कि जो शख्स फौज से रिटायर होते हैं वो अपनी स्किल्स की बुनियाद पे बैन अवी फर्म्स को ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर वो बैन अवी फर्म जो हैं वो FWO या NLC के मुकाबले में आके बिड करती हैं, तो वो कंपटीशन में आ जाती हैं। तो अब फौज के रिटायर्ड अफसरों पे के ये पाबंदी लगा दी गई है कि वो किसी ऐसी प्राइवेट फर्म को ज्वाइन नहीं कर सकते जो फौज के साथ उनके बिजनेस में कम्पीट कर रही हों या मुकाबला कर रही हों। तो ये एक जो शिक डाली गई है ये भी बड़ी एक दिलचस्प शिक है मेरे ख्याल में। इसका बराह रास्त जो है फौज के सीक्रेट से तो कोई ताल्लुक नहीं है, मगर ये ज़रूर है कि एक तसव्वुर किया जा सकता है कि जो स्किल या जो एक्सपर्टीज किसी फौजी ने हासिल की है वो स्किल और एक्सपर्टीज भी एक किस्म की सीक्रेसी है, और वो चीज़ जो है उसको किसी प्राइवेट फर्म या मद मुकाबल कारोबारी मुसाबकत के लिए वो नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, ख़ासतौर पर जब वो प्राइवेट फर्म फौज के मुकाबले में प्राइवेट कम्पटिशन में हो। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बात बना के। फिर एक और जो काम किया गया जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनके ऊपर, पहले जो है वो पीका का कानून लागू होता था, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जो FIA वाले उनको पकड़ते थे, FIA केस बनाती थी। अब वो के कोई अख्तियार दिया गया है कि जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनके ऊपर पीका कानून के तहत फौजी अदालत में भी सजाएँ सुनाई जा सकेंगी। यानी अब रिटायर्ड फौजी अफसर जिनको पहले FIA जिनके खिलाफ कार्रवाई करती थी, अगर फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पे कुछ करते थे तो FIA को कहा जाता था आप कार्रवाई करें क्योंकि पीका के कानून में सजाएं, अब वो सजाएं के सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फौज के खिलाफ या कुछ करेंगे वो सजाएं अब फौजी अदालत और आर्मी एक्ट के तहत भी दी जा सकेंगी रिटायर्ड फौजी अफसरान को। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सवाल है क्योंकि बड़ी तादाद में जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं पाक फौज के हवाले से उन पर तनकीद करने से। फिर इसमें आर्मी एक्ट में भी डेफिमेशन डाल दी गई है कि हद तक इज्जत का हवाले से भी एक जुम्मन डाल दिया गया है। उसमें कहा गया कि पर्सनल जो कोई भी फौजी या जो कि रिटायर्ड फौजी है वो अगर फौज के खिलाफ की बात करेगा, फौज के इदारे की बेइज्जती करेगा, हद तक इज्जत करेगा, तो वो आर्मी एक्ट के तहत उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। यानी चले अब ये रिटायर्ड फौजियों का बोझ तो आर्मी ने फिर खुद ही उठा लिया, FIA और सिविल इदारों को ये काम नहीं करना पड़ेगा। मगर वो जो अब इसमें ये भी नहीं कहा गया कि कितने अरसे तक ये वो सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट रहेंगे, इसमें तो कहा गया है कि
जो भी है, जो रिटायर है, अगर वो करता है 80 साल का भी हो गया तो वो आर्मी एक्ट के तहत ही उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रखा गया। और यही बात जो है वो पीका का जो कानून है, जो अख्तियार है, जो सजाएं हैं वो आर्मी एक्ट में देते वक्त भी, उसमें भी कोई रिटायरमेंट की कोई मुद्दत नहीं रखी गई। उनका जो जो रिटायर हो गया तो वो पीका के तहत भी उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो सकता है, आर्मी एक्ट के तहत अदालत चल सकती है, और डेफामेशन यानी इदारे की हद तक के ऊपर भी वो ये काम हो सकता है। और फिर उसके बाद जो है कुछ और भी इसमें दिलचस्प अमेंडमेंट्स है, जो सबसे आम है 175 सेक्शन ऐड किए गए। ये जो फौज के अंदर फलाही काम होते थे, ये जो फाउंडेशन है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, फौजी फाउंडेशन है, और वही कहा जाता है कि फौज के जो शहीद हैं, शहदा हैं, उनकी बहबूद के लिए, उनकी फैमिलीज की बहबूद के लिए, और ज़ख्मी जो फौजी हैं उनकी बहबूद के लिए ये सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। जैसे ये इवन के DHA का प्रोजेक्ट है, फौजी फाउंडेशन है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, बैंक हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, तो मिलिट्री का जितना भी कारोबार है, तो उसके हवाले से कहा गया है कि जो आर्मी है उसको अब इस कानून के अंदर डाल दिया गया है कि जो जो सरगर्मियाँ आर्मी कर रही है शहदा के बहबूद के लिए, जख्मी फौजियों के अहले खाना के लिए, तो वो तमाम जो सरगर्मियाँ हैं वो इस एक्ट में उनको तहफ़ दिया गया। और कहा गया है कि इससे पहले भी जो होती रही हैं उनको भी इस कानून में बैक डेट से तहफ़ दे दिया गया है कि उसको वो भी अब कानूनी तसव्वुर होगी। जो भी आज तक हुआ सब कुछ प्रोटेक्टेड है और किसी चीज़ को भी जो है वो गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। और इसकी ज़रूरत शायद इसलिए भी पड़ी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतम अनिल्ला ने बार बार अपने कुछ फैसले में सवाल उठाए थे कि फौज कैसे रियल स्टेट का बिजनेस कर सकती है, प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस कर सकती है, तो वो ऐसे कर सकती है। अब इस कानून में आर्मी एक्ट में तरमीम करके उन तमाम सरगर्मियों को तहफ़ देने की बहरहाल कोशिश की गई है, क्योंकि ये साबित करना कि ये सब कुछ शहदा की फैमिलीज के लिए हो रहा है, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हो रहा है, वो ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मगर बहुत सारी ऐसी कारोबारी सरगर्मियां हैं जो कि ये ट्रस्ट नहीं कर रहे। ये फौज के यूनिट लेवल पे भी, लोकल लेवल पे भी बहुत सारी ऐसी कारोबारी सरगर्मियाँ होती हैं जिनका बराह रास्त इन फाउंडेशन से और इन ये जो फलाही अदारे हैं इनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। तो मेरे ख्याल में आप कम से कम वो जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जानी चाहिए, चाहे कोई गेस्ट हाउसेज हैं, मैसेज हैं जो प्राइवेट लोगों को दे दिए जाते हैं पैसों पे, तो फिर वो सरगर्मियाँ जो हैं वो इस एक्ट में उनको तहफ़ नहीं दिया गया, तो उनके ऊपर ज़रूर फिर बात मेरे ख्याल में हो सकती है। फिर जितने भी वेलफेयर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इस बहबूद के लिए पैसे चाहिए और पैसे जो हैं कारोबारी सरगर्मियों से कमाए जाते हैं, तो कारोबारी सरगर्मियाँ जो भी हैं अब आगे जाके सेक्शन 175D में कहा गया है कि जो भी एफिलिएटेड एंटिटीज़ हैं, जो फौजी फाउंडेशन है, वेलफेयर ट्रस्ट है, DHAs हैं, वो जो भी सरगर्मियाँ कर रही हैं जिनसे पैसे आ रहे हैं, वो बेसिकली सर्विंग और रिटायर्ड जो पर्सनल हैं उनकी बहबूद के लिए भी हैं और ज़ख्मी लोगों के लिए भी हैं और शहदा की फैमिली के लिए भी हैं, तो उनको अलग से 175D में उनको भी तहफ़ दिया गया और कहा गया है कि जो भी एफिलिएटेड इदारे थे, जो कि फाउंडेशन है या ट्रस्ट हैं, उनकी जितना भी कारोबार है, जितना भी रेवेन्यू है, वो उनको भी तहफ़ दिया गया। और फौज को इस कानून में अब जाके तरमीम के लिए इजाज़त दी गई है कि वो ये सरगर्मियाँ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा अदालतों में सवाल उठ रहे थे कि फौज ये सब कुछ क्यों कर सकती है। अच्छी बात है बगैर एक बड़े वक्त के ऊपर ये तरमीम लाई जा रही है, क्योंकि ये सवाल बार बार जो है जस्टिस काजी फैजी साहब भी अपने कुछ फैसलों में जो है वो उठाते रहे हैं, और इम्कान था कि वो आइंदा भी उठाते, तो जब वो 16 सितंबर को चीफ जस्टिस बनेंगे तो उससे पहले ये कानून जो है वो आ गया है, तो एक कानूनी जवाब जो है किसी भी चीज़ में सवाल उठ सकता है, तो ये अब कानून के अंदर इन चीज़ों को तहफ़ दे दिया गया है। फिर एक और शिकायत कर दी गई है कि नेशनल डेवलपमेंट, पाकिस्तान आर्मी जो है वो कौमी तरक्की के लिए हुकूमत की हिदायत के ऊपर किसी किस्म की जो है कौमी तरक्याती काम और एडवांसमेंट, नेशनल जो मफादात हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए किसी किस्म के तरक्याती मनसूबों में को वो शुरू कर सकती है हुकूमत की हिदायत पे। और फिर ये कहा गया है कि इस कानून में कहा गया है कि जितनी भी सरगर्मियाँ इससे पहले भी की गई हैं, जो हुकूमत की हिदायत के ऊपर जो भी कौमी तरक्याती मनसूबे किए गए हैं या अब होंगे, तो वो उनको इस कानून के तहफ़ हासिल होगा। मिसाल के तौर पर जैसे कोई नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी को शुरू कर दी गई है,
या जो कि ये अभी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो ज़रई इनकलाब की बातें हो रही हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 44 लाख एकड़ ज़मीन दी गई है, ये भी एक नेशनल डेवलपमेंट के नाम पे शहबाज शरीफ की हुकूमत ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। अगर आईटी सेक्टर में फौज को कोई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, तो तमाम को इस कानून के ज़रिए चंद लफ्ज़ों और लाइनों के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। और ये कहा गया है कि इस हवाले से एक दिलचस्प बात है, इसमें कहा गया है कि जो पाकिस्तान आर्मी है वो जो मुनासिब हुकूमतें हैं यानी सूबाई और वफाकी हुकूमत हैं उनकी जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उन रेलेवेंट अथॉरिटीज़ की कंसेंट से और मर्जी से ये एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, यानी कि हुकूमतों की कंसेंट, उन्होंने कहा कि वो जो हुकूमतों के नीचे महकमे होते हैं ना बेचारे, उनकी कंसेंट हम लेके ये चीज़ें कर सकते हैं, यानी कि उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं, अब वो बेचारे सरकारी मुलाजम उनकी क्या जरूरत कि वो कंसेंट ना दें। तो इस कानून की जो लैंग्वेज है उसमें सूबाई और वफाकी हुकूमतें नहीं बल्कि सूबाई और वफाकी हुकूमतों की जो मुतलका हुकाम हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो महकमे हैं, उनकी उनसे कंसेंट ले ली जाएगी। मतलब CBI वजारत दाखिला उसकी एक मॉनिटरिंग वो मिनिस्ट्री है, तो वजारत दाखिला नहीं बल्कि CDA जो अथॉरिटी है उसकी मंजूरी के साथ कोई भी तरक्याती काम जो है वो किया जा सकेगा। तो ये कानून की लैंग्वेज है तो फिर ऐसे ही है जो कि अभी तक सामने आई है। और फिर इसमें जो एक नई सेक्शन डाली गई है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है वो ये अख्तियार दिया गया है कि वो गाहे बगाहे जो है इस कानून के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए हदायत जारी करे, इंस्ट्रक्शंस जारी करे। अब इसमें मेरे ख्याल में इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वैसे भी एडमिनिस्ट्रेटिवली वो बॉस हैं, लेकिन फिर भी इस कानून में लिख दिया गया है कि वो कोई भी इंस्ट्रक्शन जारी कर सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन जारी करने का जो अख्तियार इस कानून के तहत आर्मी चीफ को दिया गया है, और फिर उसमें कहा गया कि ये जो इंस्ट्रक्शन हैं वो इस कानून के तहत ही जारी की जा सकेंगी। मसलन आप इतने ज़्यादा अगर प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं फौज को, फ्लाई प्रोजेक्ट्स हैं और नेशनल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, तो जारी बात है आर्मी चीफ को ये अख्तियार दे दिया गया है कि जो इदारे फौज चलाएगी या जो प्रोजेक्ट्स फौज करेगी उसमें आर्मी चीफ की इंस्ट्रक्शंस होंगी, बजाय किसी वजारत की नहीं, किसी हुकूमत मिनिस्ट्री या वजीर की नहीं। तो जितने भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं नेशनल डेवलपमेंट के या कोई भी, तो उनमें ये अख्तियार अब आर्मी चीफ अपनी इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए ये अख्तियार जो है वो करेगा। अच्छा, इसमें अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इतने बड़े पैमाने पे कौमी तरक्याती मंसूबे होंगे, सरगर्मियाँ होंगी, और तो फिर उसमें आर्मी चीफ के पास इतना टाइम कैसे निकलेगा कि वो जो है फौज के अपने मामलात पे भी जो है वो तवज्जो दे सकें। तो उसके लिए भी जो आर्मी चीफ है उसको ये अख्तियार दिया गया है कि जो वो उसके अख्तियारात हैं वो आर्मी चीफ भी वो अख्तियारात जो हैं वो अपने किसी भी मातहत को तफवीज़ कर सकता है। अब ये बड़ी ही एक दिलचस्प बात है, ये भी हो सकता है कि जो नेशनल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं या दूसरे मंसूबे हैं जिनके बराह रास्त डिफेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उसके लिए आर्मी चीफ कोई फौजी अफसरान को ये अख्तियारात दे दे कि भाई आप मेरे बिहाफ पे उन मंसूबों को चलाने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस आप जारी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अब काफ़ी मामला जो है, अब जबकि सरगर्मियाँ फैल गई हैं डिफेंस के अलावा भी, तो फिर आर्मी चीफ को इस कानून में ये अख्तियार भी दे दिया गया है कि वो अपने अख्तियारात जो हैं वो तफवीज़ कर सके। और ये अख्तियार सेक्शन 176C जो है उसकी अमेंडमेंट के ज़रिए दिया गया है, और कहा गया है कि द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मे डेलीगेट एनी ऑफ हिज पावर एंड फंक्शन कन्फर्म्ड बाय अ डेलीगेटेड अंडर दिस एक्ट टू एनी ऑफिसर और अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू हिम। तो ये है जी आर्मी एक्ट, और ये बात वही है, एक सिंड्रोम है कि जाते जाते बड़ी जल्दी में रबर स्टैंपिंग हुई है, कोई हर्ज नहीं थी अगर इसके ऊपर बहस हो जाती सेनेट में। और ये वो कानून था जिसके ऊपर सेनेट में वॉकआउट हुआ कि ये अचानक ही आया, बड़े खुफिया तरीके से आया। कानून खुफिया नहीं होते, आर्मी एक्ट खुफिया नहीं है, और उनमें तरामीम भी खुफिया नहीं होनी चाहिए। अगर एक अख्तियार पार्लियामेंट को दिया गया है तो पार्लियामेंट को वो अख्तियार जो है प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों के मुंतखब लोग हैं, वहाँ पर डिबेट हो, तकरीर हो, मीडिया में बहस होनी चाहिए। इसके ऊपर तो हालत हमारी ये है कि इसके ऊपर कहीं TV चैनल पे भी किसी ने बहस नहीं की, ना कोई कर सकता है।
और ये हमारे जो है पार्लियामेंट का हाल है और ये हमारी हुकूमत का हाल है। लगता नहीं है कि इस हुकूमत को यकीन है कि ये वापस किसी इलेक्शन के ज़रिए आ सकते हैं, तो ये सब कुछ लुटाने को तैयार हैं बशमूल वोट की इज़्ज़त को भी। मतलब जान MJ TV से इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।